हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग सीएस रैंक प्लेयर हो और अगर आप लोग सीएस रैंक खेलते हो, तो अगर आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा गन कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए अच्छा है, कौन सा गन कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए सही रहेगा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो भाई लोग आप लोग बिल्कुल इस सही वीडियो पर आए हो। भाई तो आज का वीडियो बहुत ही एंड तक देखना और आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है भाई लोग। और हाँ भाई लोग, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो, जिससे आप लोग फ्री फैसिलिटी ऐसे इंटरेस्टिंग हमारे हम चैनल पे देखने को मिलते रहते। तो भाई लोग, आज के मैं जो गन कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है भाई। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। और फिर से बता दे रहा हूँ यार, वीडियो को शेयर नहीं कर तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर सब्सक्राइब कर चुका है तो भाई लोग फिर से यार एक काम कर देना यार, लाइक कर दो या फिर शेयर कर दो, कुछ भी एक काम करना ही करना आप लोगों को। तो चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ, तो अगर आप लोग सीएस रैंक खेलोगे तो आप लोगों को जैसे कि जाना है, गेम ऑन करना है, फिर अपना सीएस रैंक लगाना है, फिर बंदा बुलाना है, नूरे टीममेट को बुलाना है। तो चलो यार, काम की बात पे आते हैं, छोड़ो ये सब। तो सबसे पहले देखो, अगर आप लोग खेलोगे ना, तो अगर आप सीएस रैंक खेलो तो आप लोगों को पहले में आएगा एम्पावरमेंट G18 में से। तब मैं बताता हूँ, अगर आपके पास फिस्ट के क्लॉक पावर है अगर आपके पास, तो आप ये दोनों गन में से कोई सा भी मत लो। तो आप बोलोगे यार हाँ, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार फिस्ट का पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब यार, अगर ओपन सा जगह है ना, तो आप लोग M500 या G18, लेकिन अगर क्लोज रेंज का जगह, जैसे घर घर पड़ेगा, जैसे घर घर पर या जैसे कैप टाउन होता है ऐसा जगह पड़ेगा ना, तो आप सब क्ला लेना, क्ला का बहुत ही काम आने वाला है। और अगर आप लोग देख लो क्ला ले चुके हो, लेकिन आप लोग आके देख रहे हो कि भाई ओपन जगह पड़ रहा है, तब या तो अगर आप लोग M500 से अच्छा हेडशॉट मारते हैं M500 लो, या फिर आप लोग G18 लो भाई। क्योंकि अगर आप लोग M500 चलाना नहीं आता, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि M500 मत लेना, आपसे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला भाई, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चलाता हूँ इस गन को। तो बाकी भाई आप लोग G18 ले सकते हो, लेकिन क्ला को भाई ओपन एरिया में बिल्कुल भी यूज़ मत करना, वरना फिर आप यार नूब जैसा जाके मारे जाओगे यार बेकार में, आपको टीममेट भी अगर रैंडम है तो आपको गाली सुना देगा। तो बात करते हैं हमारा नेक्स्ट राउंड, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड अगर हार जाओगे बाई चांस, तो आप लोग फिर ऑप्शन है का भाई, आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग कभी आता है या तो यूजी आता है, यूजी और फेमस आता है, या फिर भाई लोग आ जाएगा किंग फिशर और M60 करके आता है, तो ये दोनों गन में से कोई सा परचेस करने का प्रस्तुत नहीं, कि भाई सेकेंड राउंड में कोई भी M500 और G18 परचेस नहीं करता है। तो मैं बता देता हूँ, अगर केले स्टोर आता है जिसमें यूजी और आप लोग को फेमस देखने मिलेगा, तो बोलो उसमें फेमस नहीं लेके आप लोग यूजी ले लेना, क्योंकि भाई फेमस से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग फालतू माउच मैच हार जाओगे। तो आप लोग यूजी ले लेना, अगर क्लोज रेंज का जगह है, मतलब छोटा मोटा जैसे फैक्ट्री है तो यूजी लेना, लेकिन अगर खुला खुला जगह जैसे फिर से अगर पड़ गया, तो आप लोग फेमस ले लेना, फेमस काम आने वाला आप सभी का। और बात करते हैं, अगर आप लोग मैच है, अगर आप लोग आ जाएगा किंग फिशर के M60, तो उसमें भाई आप लोग M60 बिल्कुल भी ना लेना मेरे हिसाब से। अगर मेरे से पूछो तो आप लोग M60 मत लो, आप लोग ले लो किंग फिशर कुछ भी कर सकता है, लेकिन M60 को मुझे भरोसा नहीं लगता। फिर भी अगर आपके पास M60 का स्किन अच्छा चला रहा, तो आप लोग बाकी चला सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं आपको सेकंड राउंड का कॉम्बिनेशन बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोग सेकंड राउंड जीत जाते हो, और अगर आप लोग फर्स्ट राउंड जो G18 वाला मैच होता है अगर जीत जाओगे, तो उसके बाद आप लोग क्या लेना मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ले लेना MP5। हाँ भाई लोग, MP5 लेना, UMP लेने गलती मत करना। मतलब यार, फर्स्ट राउंड जो बंदे जीते हैं वो ज़्यादातर सेकंड राउंड में भाई MP5 नहीं लेके वो ले लेते हैं UMP। पहले आप लोग गलती से भाई UMP मत लिया करो, क्योंकि UMP जो है ना, ये अपडेट के बाद UMP का पूरा मतलब टट्टी कर दिया गया। मतलब अब UMP मत लिया करो, UMP की जगह आप लोग ले लो M500 नहीं यार MP5 ले लो। और MP5 के साथ आप लोग एक ग्लोबल खरीद सकते हो, तो बिल्कुल पैसा बचाना मत, कंजूसी मत करना भाई, आपका अपना पॉकेट का पैसा नहीं लग रहा, इसलिए कंजूसी मत करो। आप लोग ले लेना भाई एकदम पर दबा के भाई MP5 ले लेना, और साथ ही में उसका ग्लोबल ले लेना, जो MP5 है भाई उससे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हेड लगता है भाई लोग। आप लोग MP5 लेना, MP5 बहुत ही अच्छा गन है, तो आप लोग सेकंड राउंड में उसे लेना अगर आप लोग फर्स्ट राउंड जीतते हो। तो बात करते हैं भाई थर्ड राउंड की, बात करते हैं थर्ड राउंड में आप लोग क्या करना है। थर्ड राउंड में आप लोग ले लेना भाई मैग ले लेना और MAC-10 ले लेना। हाँ ध्यान से सुनो, MAC-10 की बात कर रहा हूँ, जो चर करके निकलता है ना, वो जो गोली निकलता है AR वाला, उसका बात कर रहा हूँ। और उसके साथ में एक शॉर्ट गन वाला जो मैग होता है, जिसमें अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो शॉर्ट गन वाला जो मैग होता है ना उसे ले लेना। हाँ भाई, शॉर्ट गन वाला जो मैग है वो काफ़ी ज़्यादा ओपी है भाई लोग, उसे लेना जरूर से। और साथ ही MAC-10 लेना, MAC-10 उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो कि MAC-10 का मैं कौन सा गन की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई लोग। और अगर सेकंड राउंड में भी आप लोग अगर मैक आ जाएगा ना, तो आप लोग मैक ही लेना भाई, ऐसे फालतू गन मत लेना। और मैक आप लोग चाहो तो MP5 की जगह मैक भी ले सकते हो, क्योंकि मैक जो गन है MAC-10 ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो भाई मैं बोल दे रहा हूँ यार, MAC-10 की बात कर रहा हूँ, MAC-7 की बात ना कर रहा, MAC-10 अलग है। चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई मजाक कर रहा था, आप लोग लाइक नहीं किया इसलिए मैं वीडियो खत्म कर दे रहा हूँ। तो चलो भाई आगे बात करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर से करो यार, वरना मैं वीडियो अभी खत्म कर दूंगा। चलो लाइक कर दिया तो कोई बात नहीं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमने को होने वाला भाई M87 प्लस ग्रोसा। हाँ भाई, M87 जो गन है यार काफ़ी ज़्यादा जहर गन है, आप लोग को पता ही, अगर आप लोग M87 लवर हो तो, क्योंकि मैं भी यार M87 लवर ही हूँ। तो भाई आप लोग M87 के साथ ग्रोसा लो भाई, क्योंकि भाई
दूसरा जो गन है ये भी काफ़ी ज़्यादा जहर गन है भाई अपडेट के बाद से भाई। इसे जो मतलब यार हेडशॉट भी काफ़ी अच्छा लगता है। पहले एक ग्रोजा ऐसा गन था जिसे इग्नोर कहा जाता था, लेकिन अब के टाइम में ग्रोजा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप लोग यार M87 के साथ जरूर से जरूर एक लॉन्ग रेंज गन लेना जो होगा भाई ग्रोजा। तो इस दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल से रखना जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग काम आने वाला है। तो एक लॉन्ग रेंज गन अगर ग्रोजा नहीं होगा तो भाई ग्रोजा के जगह आप लोग AK भी ले सकते हो। हाँ M87 के साथ आप लोग AK भी ले सकते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग होने वाला है MP40 प्लस AC80। हाँ भाई लोग MP40 और AC80 जो है भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई इसका कॉम्बिनेशन। अगर आपके आपके अगर आर्मरी में आपका आएगा ना तो MP40 और AC80 लो बहुत ज़्यादा काम आने वाला। अब हाँ ये बात आप लोग कहोगे कि यार क्या बात कर रहे हैं MP40 और AC80 दोनों भाई महंगा करने। हाँ मुझे पता है कि दोनों ही महंगा करने लगे हैं। आपके पास बहुत पैसा है अगर आप लोग अंबानी के बेटे हो ना, मतलब अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप लोग ले सकते हो भाई ये दोनों गन कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा तो आप लोग एक काम करना MP40 ले लेना और साथ ही में उसका ले लेना आप लोग AK ले सकते हो या फिर आप लोग MP5 भी ले सकते हो क्योंकि MP5 भी जो गन है मैंने जैसे बताया आपको वो भी आप लोग ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी भाई लोग। और हाँ भाई आप लोग वुड पिकर भी ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा जो होने वाला है वो होने वाला भाई M1014 के साथ भाई होने वाला वुड पिकर। जी हाँ भाई M1014 के साथ आप लोग ले लो वुड पिकर भाई क्योंकि वुड पिकर जो गन है भाई उससे अच्छा हेडशॉट भी बड़ा अच्छा लगता है। और M10 क्या भाई क्लोज रेंज के लिए बता दो यार घुसेगा बंदा ना यार कुत्ते की तरह मार रहा है उसे पूरा दौड़ा दौड़ा के M10 से क्योंकि भाई M10 में होता है 6 गोली। अगर कोई अगर M87 लेकर आ गया ना तो M10 बाप गन है उसके सामने ना सकने वाला है M87 क्योंकि भाई आप लोग को पता ही है कि यार कैसा गन है यार M1014 यार मतलब भाई कुत्ता बना देता है मार के आप लोग जानते हैं यार। छोड़ो इसके बारे में क्या बोलना। और साथ में वुड पिकर रखना जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसका होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बोनस फैक्ट बता दूँ, चलो भाई एक तो बोनस फैक्ट बता दूँ कि अगर आप लोग भाई लॉन्ग रेंज प्लेयर हो ना, अगर लॉन्ग रेंज प्लेयर आप बोले नहीं यार शॉर्ट गन में मतलब यार मुझे नहीं आता उतना से चलाने मुझे लॉन्ग रेंज ही खेलना, तो लॉन्ग रेंज में आप लोग देख लो एक काम करना आप लोग एक तो ग्रोजा ले लेना और साथ ही भाई आप लोग AC80 या वुड पिकर ये दोनों गन लेना लॉन्ग रेंज के लिए। भाई अगर आप लोग कैंप करके खेलते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा OP हो जाएगा भाई लोग। आप लोग स्क्वाड भी वाइप कर सकते हो अगर आपके पास स्कैलर या रफेल ऐसा होगा कैरेक्टर तो आप लोग अगर स्कैलर रखना साथ ही में रफेल रखना तो भाई इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आप सभी का तो लोग वो वीडियो पे देख सकते हो। चलो भाई होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।